यहाँ से कसूर की, ज़िला कसूर की हदबंदी स्टार्ट हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक, फिट फाट, चकाचकास होंगे? आपका भाई भी एकदम फिट फाट है। तो क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आपके भाई की लाइफ तो बहुत बोरिंग चल रही थी, तो आज भाई ने प्लान किया, क्योंकि मौसम बड़ा फिट था, रात को बारिश होती रही है, तो सुबह मौसम बड़ा सुहाना फिट सा था, तो मैंने कहा क्यों ना एक खूबसूरत सी राइड पर निकला जाए। तो आज ऑफिस भी मैंने जाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना कसूर की तरफ जाया जाए। ऑफिस भी मेरा कसूर वाली साइड पर ही है, लेकिन मैंने कहा चले पहले एक ऑफिस में चक्कर लगा लिया जाए, देन कसूर सिटी की तरफ जाया जाए। जी तो मैं कसूर की बात कर रहा था। कसूर एक अपने आप एक मशहूर और मुनफरिद शहर है। इसकी एक मशहूर होने की वजह ये भी है कि यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है। अगस्त के महीने में इनका उर्स होता है, और इस दफ़ा बेसिकली ये चांद के हिसाब से इनका उर्स रखा जाता है, तो इस दफ़ा 2021 में इनका उर्स अगस्त के एंड में आ रहा है। यहाँ से कसूर की, ज़िला कसूर की हदबंदी स्टार्ट हो जाती है। कसूर खाने पीने के हवाले से भी बहुत मशहूर है, स्पेशली यहाँ की जो मछली है बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक टाइम पे यहाँ पर सतलुज की एक शाख गुजरा करती थी, तो वहाँ से हम लोग मछलियाँ पकड़ के, और यहाँ पर बनाने का अंदाज़ भी बहुत मुख्तलिफ है। लोग बड़ी दूर दूर से, स्पेशली लाहौर से वीकेंड पे लोग यहाँ पर मछली खाने आते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ के कसूर के अंदरसे हैं, अंदरसा इज़ जस्ट लाइक अ बिग कुकी। और तीसरी चीज़ यहाँ की एक फलूदा बहुत ही फेमस है यहाँ, और आप जब भी यहाँ पर आएँ खासकर मछली खाने, तो साथ में फलूदा लाजमी। जी तो अब बाईपास आ चुका है, ये गोल चक्कर है, राइट साइड पे टर्न लेंगे तो आप दीपालपुर का जो बाईपास है वो यहाँ से दीपालपुर भी जा सकते हैं, फिर वहाँ से एक और गोल चक्कर आएगा, एक रोड कसूर की तरफ जा रहा होगा और एक रोड राइट साइड पे जा रहा होगा रायबंड की तरफ, और सीधा दीपालपुर की तरफ जा रहा होगा। जी तो नाज़रीन ये सामने बोर्ड आ गया, बोर्ड ये मेंशन कर रहा है कि सीधा ये सड़क गंडा सिंह वाला जा रही है, जो कि यहाँ का बॉर्डर है, कसूर बॉर्डर है, और सीधा राइट साइड पे पहले आ जाते हैं दीपालपुर, और उससे पहले रायबंड भी आए, और हमारे पास सिर्फ 5 किलोमीटर कसूर के लिए रह गए। दीपालपुर भी सीधा आगे आप जाएँ तो वो दीपालपुर यहाँ से एक रोड राइट की तरफ जाएगा, लेकिन ये एक बाईपास इन्होंने जो लाहौर से आने वाले हैं उनके लिए बाईपास दे दिया हुआ। पहले जो आपने देखा है गोल चक्कर, ये लॉन्ग ओवल शेप गोल चक्कर है, ये चौक नहीं है, कहीं से आ जा सड़क नहीं रही, तो ये सेकंड ये हो गया गोल चक्कर, ये थर्ड गोल चक्कर है। यहाँ से आप कसूर सिटी की तरफ भी जा सकते हैं, इसको हम वाह भाई इशारा चलो दे दिया, अच्छी बात है। तो ये राइट साइड पे कसूर की तरफ जा रही है, कसूर सिटी की तरफ, नॉट अंदरून सिटी, कसूर सिटी, लेकिन हम यहाँ पर यहाँ से भी नहीं अंदर जाएंगे, हम जाएंगे अगली आएगी रोड आएगा शहबाज रोड, ये भाई की अपनी रोड है आपको पता है। ले जी ये फोर्थ गोल चक्कर आ गया, सीधा सड़क जो जा रही है ये गंडा सिंह वाला की तरफ जा रही है, और इससे पहले थोड़ा राइट साइड पे दीपालपुर की तरफ रोड जा रहा है, और ये हम राइट मुड़ गए हैं शहबाज रोड की तरफ। ये सीधी सड़क जो है ये हमें लेकर जाएगी टूवर्ड्स ओल्ड कसूर सिटी की तरफ, और यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह का भी मज़ार है, और सीधा अगर आप इसको क्रॉस करते जाएं तो जब ये एंड हो जाएगा यहाँ पर नूर महल मस्जिद आएगी, उसकी दीवारों के अंदर एक ओल्ड सिटी यहाँ पर, जो यहाँ के भी 12 के 14 दरवाज़े हैं, तो वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जी तो ख़वातीन हज़रात, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? अभी इस वक्त आपका भाई मौजूद है बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे। यहाँ पर आप मोटरसाइकिल कार पार्क कर सकते हैं, इसको बिल्कुल बरक्स बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, मस्जिद है, ये मस्जिद का आप गुंबद देख सकते हैं, और यहाँ से हम एंटर होंगे, ये बड़ी लंबा सा इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ से क्रॉस करके इसके अंदर एंटर होंगे हम। जैसे ही हम सिक्योरिटी गेट से एंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पर मस्जिद है, और राइट साइड पर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ पर चादरें और फूल चढ़ाने की भी दुकानें मौजूद हैं।